नमस्कार सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सोनभद्र शिव द्वार शिव मंदिर में जलाभिषेक करने उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के शिव द्वार मंदिर पर सावन के अंतिम सोमवार को भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि शिव द्वार मंदिर पर हर साल लाखों कांवरिया मिर्जापुर विंध्याचल चुनार आदि गंगा घाट से जल भरकर पैदल जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। कोविड-19 के चलते उत्तर प्रदेश सरकार कांवरियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसके बावजूद भी आस्था को देखते हुए तमाम भक्त जलाभिषेक करने के लिए मंदिर जाते हैं। शिवद्वार को गुप्तकाशी के नाम से भी जानते हैं। वहां के पुजारी गिरी महाराज जी ने बताया कि जो भी भक्त सच्चे मन से शिवद्वार में जलाभिषेक करता है भगवान शिव माता पार्वती उसकी मनोइच्छा पूर्ण करते हैं। लाइन में लगे भक्तों ने बताया कि हम सब लगभग 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं, धूप भी है, लेकिन क्या करें, दर्शन तो लाइन से ही करना है। मेले में कहीं अप्रिय घटना ना हो मंदिर के चारों तरफ प्रशासन चुस्त और दुरुस्त दिखाई दी। वहीं मेले का जायजा लेने क्षेत्राधिकारी घोरावल शंकर प्रसाद जी दल बल के साथ बैठे रहे। मंदिर परिसर में महिला पुलिसकर्मी भी चुस्त और दुरुस्त दिखी। मेले में सपेरे भी अपने सांपों को दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते हुए दिखाई दिए। वहीं मिर्जापुर में शिवभक्त गाजेबाजी के साथ शिवालय में जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर सावन मास में हंसी वाले पर भक्तों की लाइन देखी गई। मेले में आए हुए एक महिला भक्त ने बताया कि घंटों से लाइन में लगी हूँ, धूप भी लग रही है, फिर भी दर्शन नहीं मिल पा रहा है। वहीं दुकानदारों का कहना था कि कांवरियों को नहीं आने से हम सभी दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। सत्यात्रा न्यूज़ से आशुतोष शर्मा की खास खबर, धन्यवाद। मिर्जापुर से आज मैं सोनभद्र जिला के शिवद्वार धाम पर आया हूँ, जो कि सावन का अंतिम सोमवार है और यहाँ पे आज काफ़ी भीड़ दिखाई दे रहा है। लगभग 2 बज रहा है, फिर भी यहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, जो कि यहाँ पे आप कैमरामैन से चाहूँगा आप भीड़ दिखाएं कितनी भीड़ है। और जो है ये काफ़ी समय से लाइन में खड़े हैं, और जो कि यहाँ की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, लाइन से सबको दर्शन करवा रहे हैं। आइए मैं कुछ श्रद्धालुओं से आपकी बात कराता हूँ कि ये कब से खड़े हैं। जी भाई साहब, कहाँ से आए हैं जी? कब से लाइन में खड़े हैं? अरे हमको 1 घंटा हो गया। ये कौन सा जगह है? शिव द्वार जी। जैसा आप देख रहे हैं कि ये शिव द्वार धाम में लगभग 2-2 घंटे से भक्त लाइन में खड़े हैं और लाइन से दर्शन कर रहे हैं। सबसे रही बात, ये जो शिव द्वार का जो धाम है, ये पूरे विश्व में ऐसा मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसको गुप्त काशी के नाम से जानते हैं। धन्यवाद जी। भाई साहब आपका परिचय? शैलेश कुमार जी। कौन सा स्थान है ये? गुप्त काशी शिव द्वार धाम के नाम से जाना जाता है। किस जिले में है ये? सोनभद्र जिले में पड़ता है। क्या विशेषता इस मंदिर पे आज यहाँ बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है? ये प्राचीन काल का मंदिर है जी। और ये ऐसा मंदिर शिव पार्वती प्रतिमा पूरे विश्व में नहीं है, ये आप मान के चलिए। और यहाँ पे जो है माँ विंध्यवासिनी के धाम से और रामगढ़ से लोग जल लेके आते हैं और यहाँ पे जो है हर साल कांवर यात्रा जल चढ़ाया जाता है, लेकिन ये कोरोना काल की वजह से इस साल कांवर यात्रा नहीं रही। फिर भी आज यहाँ पे काफी भीड़ दिखाई दे, लाखों की भीड़ जी। क्या बात है? तो बाबा का आशीर्वाद लेने सावन के अंतिम सोमवार के दिन यहाँ पे इसी तरह से भीड़ होती ही है। हालांकि हर सोमवार को भीड़ होती है लेकिन अंतिम सोमवार को एक अलग जी। यहाँ पे महिलाओं की लंबी भीड़ है, ये सुबह से भीड़ है कि मतलब थोड़ी देर पहले हुआ? नहीं नहीं, ये भीड़ तो हमेशा सुबह 4 बजे से ही जो है कंटिन्यू ये भीड़ बनी रही है। माता जी कौन सा जगह है ये? द्वार। कब से लाइन में लगी हैं? है क्या दिक्कत हो रहा है आपको? अच्छा।